खबर महाराष्ट्र से आ रही है, वापस बंगाल की ओर रुख करें। इससे पहले आपको बता दें, मुंबई विस्फोटक वाले कांड में एपीआई सचिन वजे निलंबित हुए हैं। ये अभी एडिशनल सीपी स्पेशल ब्रांच का एक ऑर्डर आया है, ऑर्डर जारी हुआ है और मुंबई पुलिस से वो सस्पेंड हो चुके हैं। ये ऑर्डर अभी आया है, ऑफिशियल मैसेज है ये मुंबई पुलिस का। और इससे पहले कई बहुत राजनीतिक हो रही तूल पकड़ चुका था ये पूरा किस्सा, ये पूरा मामला। बीजेपी का आरोप था कि 6 जून 2020 में सचिन वजे को वापस शिवसेना सरकार लेकर आई थी। क्यों लेकर आई थी और किसके आधार पर, किसके इशारे पर काम कर रहे थे सचिन वजे, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे। विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी विवेक, बताइए। आनंद, आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वजे जो कई दिनों से विवादित मामले में फंसे हुए थे और उन्होंने एक संदिग्ध कार मामले में सेंट्रल जांच एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार भी कर लिया था और अब मुंबई पुलिस ने भी कड़े कदम उठाते हुए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई पुलिस ने आधिकारिक रूप से ये जानकारी दी है कि अब जो एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे को मुंबई पुलिस फोर्स से सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि एनआईए ने इसकी गुजारिश जो है वो कल ही मुंबई के सेशन कोर्ट में की थी कि अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और काफी उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उन्हें जल्द से जल्द सस्पेंड कर दिया जाए। तो आज मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में कड़ा कदम उठाते हुए एपीआई सचिन वजे को सस्पेंड कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि संदिग्ध कार मामले में जांच अब एनआईए कर रही है और एनआईए ने कल ही सचिन वजे को गिरफ्तार किया है और उन्हें पुलिस कस्टडी 25 मार्च तक भेजी जा रही है। और एनआईए का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जो जांच का दायरा है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और सचिन वजे से लगातार पूछताछ हो रही है। आनंद, विवेक, धन्यवाद इस अपडेट के लिए।